खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। एस ए फराज राणा की रिपोर्ट के मुताबिक कैंप के राणा लियाकत अली फकर सिलहर के डेरा राजपूत हाउस बलोर में एक अजीम शान अजीम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें राणा लियाकत अली बलोर ने कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए मशाल राह है। हुजूर आए तो अमन आया, चैन आया, करार आया। हुजूर आए तो आलम पे बहार आई, निखार आया। कायनात की अजीम शख्सियत मोहसिन इंसानियत पे लाखों करोड़ों अरबों हाथ दुरूद व सलाम। अवामी लीडर हरदिल अजीज, सियासी समाजी शख्सियत एम पी ए राणा लियाकत अली, सीनियर रहमा मुस्लिम लीग नून राणा शौकत अली की जेर सरपरस्ती अपने डेरा भलोर पर सालाना अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम और नातखान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस में गुलाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर चेयरमैन राणा आसिफ यूनियन काउंसिल जसोरा, चेयरमैन मियाँ कैसर एडवोकेट यूनियन काउंसिल बडियाना, चेयरमैन चौधरी शहबाज यूनियन काउंसिल परियल, चेयरमैन चौधरी वकास संजम यूनियन काउंसिल मसियाल, चेयरमैन राणा इफ्तिकार यूनियन काउंसिल चारपा, चेयरमैन राणा अकबर मेराज के, चेयरमैन चौधरी तारक नजीर यूनियन काउंसिल गंगरा, मलिक जुल्कनैन टी एस पी बाजरा गढ़ी, मलिक काशिफ, मलिक खालिद बाजरा गढ़ी, चौधरी जावेद आफकिंग, हमीदुल्ला अम्बालवी, असलम हमीद भट्ट, शाहिद मिनास के अलावा हल्का भर से दोस्तों और बुजुर्गों ने इस इर्तदाद में शिरकत की। आखिर में मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई।